So, alright guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Ibrahim Sheikh with another vlog. So, आज का सिर्फ अनबॉक्सिंग रहेगा. जस्ट मैंने ये कैमरा मंगाया था, बहुत सस्ते ऑफर में मुझे मिल चुका है. इसकी MRP मैं तुम लोगों को बताऊँ तो ये 999 10,000 का कैमरा है, बट स्टिल मेरे को कितने में मिला है वीडियो के एंड में मैं पूरा बताऊंगा. तो वीडियो को पूरा देखो एंड एंड तक देखो गाइस. तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके रिव्यू दे देते हैं. रिव्यू मेरे चैनल पे आएगा, ये मेरी मॉम के चैनल पे मैं अनबॉक्सिंग डाल रहा हूँ, बिकॉज समझ लो मेरी मॉम का भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना. अभी स्टार्ट किए, तुम लोग जैसा मेरे को सपोर्ट करते हैं मेरी मम्मी को भी कर देना, ठीक है गाइस. तो इसको फटाफट हम अनबॉक्स करते हैं, फिर बताते हैं इसके अंदर क्या है, कैसा है, क्या नहीं है. लेट्स गो गाइस. ना इतना ज़्यादा प्रो नहीं है कैमरा अनबॉक्स करने में, तो जैसा आता है. ओके, इसकी स्पेसिफिकेशन पे आ जाते तो हमको मिलता है 2 डिस्प्ले मिलता है, 2 डिस्प्ले प्लस 1.3 FT फ्रंट डिस्प्ले. कैमरा लेंस 120 वाइड एंगल एंड फिश आई. मेगापिक्सल देख सकते हो 16 मेगापिक्सल, 12.8.5.2. विजुअल रेजोल्यूशन 4K 60 FPS, 2.7 30 FPS, 1080p 60 FPS, 720 FPS बिकॉज दिस इज फॉर स्लो मोशन. वीडियो फॉर्मेट MP4H264, वीडियो फॉर्मेट JPC. बैटरी इसका चलेगा, लाइफ टाइम लोग ने दिया है 90 मिनट. अगर आप जाते हो ट्रैवल अवेल करने तो 90 मिनट तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो. चार्जिंग इनपुट मेमोरी कार्ड अप टू 64 GB, इसके ऊपर नहीं आएगा. वाटर प्रूफ है, 30 मीटर तक जाएगा विथ वाटर केस. वायरलेस कनेक्शन विथ टू माइक, यस माइक एंड स्पीकर यस इंक्लूडेड. सो माउंटिंग एंड बहुत कुछ इसमें दिया है. फीचर सेल्फी इनेबल, टाइम लैप्स, ड्राइविंग मोड एंड मोबाइल स्मार्ट सपोर्ट. तो इसका ऐप वैप है आप उन सब स्टार्ट करेंगे. एंड ये है हमारा मेन कैमरा, इसमें डबल लेंस है, डबल डिस्प्ले है. सो मैं सोचा कि इतने अच्छे ऑफर में है क्यों ना मंगा लेते हैं, बिकॉज 10,000 का है, बाद में महंगा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा. चलो इसको अनबॉक्स करते हैं. स्टार्ट. ओ वाइट गाइस, दिस इज माय फर्स्ट एक्शन कैमरा भी, दिस इज माय फर्स्ट एक्शन कैमरा. ओ वाइट, इसके डब्बे में अभी कुछ नहीं है, डब्बा साइड में रखते हैं एंड आ जाते हैं मेन कैमरे पे. सबसे पहले मेन माय उसके अंदर क्या आएगा, जस्ट क्या पता, ये कहीं स्टिक करने के लिए अगर आप गाड़ी में या वहाँ करते हो. एंड ये बाइक के हेलमेट पे लगाने का मे बी. एंड ये हमारे अगर ट्राईपोर्ट में अगर आपको फिक्स नहीं, सॉरी ये इसका है, ये शायद आपको कार व्हील में लगाना है, दैट्स व्हाई. इतना नॉलेज नहीं है बट माय स्टिल माय फर्स्ट एक्शन कैमरा. एंड ये भी मिला है, ये सब मोर स्टिकर्स. एंड ये हमारे ट्राईपोर्ट पे लगाने के लिए, जैसे हमको ब्लॉगिंग करना है ट्राईपोर्ट के साथ तो वो भी मिल जाता है हमें. एंड ये है रिमोट जो हमको यहाँ पहनना है, इसको सपोर्ट लाइव कर सकते हैं. एंड ये केबल है चार्जिंग के लिए या फाइल ट्रांसफ़र के लिए. ये सब तो बात हो गई हमारे एसेसरीज की, मेन आ जाता है हमारा एक्शन कैमरा. एंड वेट 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 वेट, इसमें गाइड दिया है देख सकते हो तुम लोग, गाइड आजकल कुछ काम का नहीं रहता. अभी आ चुका है हमारा मेन एक्शन कैमरा, इसकी स्क्रीन निकाल देते फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इसको खोलना कैसे है, जस्ट स्लाइड टू ओपन. इसको मैंने ओपन कर दिया, वेट और वाइट. ओह माय गॉड, दिस इज माय, और हाँ हाँ हाँ, और ये है हमारा वाटर प्रूफ केस, जिसको हम आज, जिसको हमें वो पानी के अंदर लेके जाना है तो हम उसको लेके जा सकते हैं. ये हमारा वाटर प्रूफ केस. एंड दिस इज माय मेन एक्शन कैमरा, इसका भी लेंस निकाल देते हैं. लेंस निकालने के बाद में सबसे पहले इसमें बैटरी है या नहीं वो चेक करते. सो बैटरी है इसमें देख सकते हो, और मेमोरी कार्ड का भी दिया है, वेट मेमोरी कार्ड भी है. सो ये है हमारा मेन एक्शन कैमरा, एकदम फील इसका मैं
हाथ में लेने के बाद बताओ तो थोड़ा थोड़ा सही फील आता है, उतना ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होता, बट स्टिल जो प्राइस रेट में मिला है इट्स ओके। सो ये डबल स्क्रीन है, सो व्लॉगिंग के लिए अगर लेते हो तो बहुत सही रहेगा, देख सकते हो। अभी मैं इसको ऑन करके बताता हूँ। एक्स मेट, ओके नाइस। कैमरा हो चुका है चालू, ये अभी मैंने 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सॉरी 4K 30 FPS। अभी हमको कुछ चेंज करने के लिए दहल, इसका सब वो कहाँ है भाई फीचर्स। ओके 120 FPS सुपर स्लो मोशन, ये सुपर स्लो मोशन के लिए दिया है। एंड ये आ जाता है फोटो के लिए, यानी आ जाती है हमारी मेन सेटिंग्स। सेटिंग्स पे कैसे जाना है, सो ये हमारी मेन सेटिंग्स, रेजोल्यूशन, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ओके, वाईफाई, अभी हम इसको फोन में कनेक्ट करके दिखाते। चलो ओके, वाईफाई है एंड इसका पासवर्ड, तो ये मेरा फोन है एक्स मेट स्टन लाइट, एंड इसका पासवर्ड अभी मैं डाल देता हूँ। वेट, मैं अभी इसका पासवर्ड डाल दूँ। ओके पासवर्ड क्या था ब्रो? 6 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कनेक्टिंग हो चुका है हमारा कनेक्ट। पानी गरम, पानी गरम हो गया है, हम लोग यही दिन भर पानी पीते, गरम पानी। ये मशीन में कपड़े धो लिए, आधे हो गए वाइट, अभी आधे धो लिए। किचन में हूँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, लंच में ये मेरे मसाले के डब्बे। फ्रिज, मैं आपको पता ही ना, मैं सब भर के रखती हूँ एक साथ। ये भाजी गवार की, ये मस्ता है अमूल मस्ता, मेरे बेटे का बर्थडे था उसका बचा हुआ केक है, अंडे, पानी की बोतल, सॉस, और इसमें भी है ना मस्का है, ये ख़त्म होगा तो मैं वो मस्का उसमें डालूँगी। और नीचे भाजी के डब्बे में सब भाजी है, अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। इसका मसाला पीस लिया, जाएगा एक पाउडर, और ये जो आवाज़ आ रही है मशीन की आवाज़ है कपड़े सूखने की, मैं काम करती हूँ कर रही हूँ। मैंने इसमें दो आलू भी कट करके डाल लिए, जो मूंग मटकी उबल रही है उसमें दो आलू कट करके डाली, अब इसमें मैं कांदा डालूंगी,
दो टमाटर डाली हूँ पिसने में। लहसुन हरी मिर्ची थोड़ी सी अदरक ज़्यादा नहीं थोड़ी सी खाली बस थोड़ा अदरक का फ्लेवर उसमें आएगा। थोड़ा जीरा डालूंगी थोड़ा सा जीरा और इसको मैं पीस लूंगी थोड़ा हरा धनिया भी डाल दूंगी। सब मैं साफ करके धो के सुखा के मैं सब रखती हूँ फ्रिज में इसलिए पकाने में टाइम मेरे को सब इजी हो जाता है। मैं इसको पीस लूँगी मसाला मैंने पीस ली हूँ ये देखिए अभी टॉप रख दी हूँ मैं गैस ऑन करूँगी और ये भी अच्छी बन गई है। इसमें मैं तेल डाल दिया कल कहाँ चले गए अपा उनको अपने भून जाया क्यों भूल गए 3 बजे तक घर ऐसी पड़ा था 3 बजे तक बोलना चाहिए ना तुमको मैं कल क्या होली मना देते तुमको नहीं भैया बोला नहीं भैया को खुद नहीं मालूम भैया को किसने बोला भैया को तुम बोले थे आने बोला आपका तो हो जाएगा मतलब तुम कल क्यों नहीं आए होली मना रहे थे होली नहीं मेरा बात सुनो दिन तब मारो मेरा गलत खाएगा पूछ रही हूँ मैं होली मना रहे थे घुनी खेलेगा इधर कपड़ा कौन पटेगा अभी इधर काम पे आएगा उनका पापा भी काम पे नीन बोला अभी भाभी के बोला तो भाभी अभी तो घर पे जाएगा पापा के नहीं बोला भून जाया अभी काम कर के भाग के आया भून छे तो वहाँ आधा आधे लोगों का काम कर दिया हमारा काम नहीं करे तुमने क्यों उधर काम करके चले गए कौन बोला पूछ रही हूँ तुमको तुम क्या बोल रहे हो कल का परसू तुमको नहीं भुना ना परसू कोई नहीं बोला आमी भुना नहीं अल्लाह आप आके वो घर पे नहीं बोला भाभी तभी भून के आएगा बोला भाभी क्या बोल रहा है बोला मेरा ससुर नाश्ता करके आएगा सुबह आमी भून देगा तो तुमको बोला नहीं आमी जाके भुनेगा काय को नहीं बोला नहीं बोला को मैं तुमको 10 बार बोली उन लोगों मत बोला करो उन लोग नहीं बोलते ना मेरा भाभी नहीं बोलती है वो भाभी रह गई या उसकी सास रह गई उन लोग नहीं बोलते तो तुमको मैं कितने बार बोली कि हाँ नहीं तुम मेरी ननन को बोलेंगे ना मेरी ननन को वो बोल देते वो बोल देते मेरा रास्ता मेरी ननन इसके अप्पा दिखेंगे ना उधर तो मेरी ननन बोल देते कि भाई आज वो आएंगे नहीं से ताजमहल आएंगे नहीं तुम्हारा वो ऊपर नहीं बोलने का नहीं नहीं उसको नहीं बोलने का कि मैं आज नहीं आ रही कल नहीं आ रही झूठ बोला झूठ बात अच्छा नहीं लग रहा है झूठ क्या झूठ बुरा बुरा नहीं तुम्हारा हाँ उन लोगों ने नहीं बोले वो भैया को बुरा भून देगा मी नाश्ता सुबह आएगा अब्बा आएगा चाचा आएगा सुबह
चाचा बोलता है उनसे चाचा आएगा हमें बोन देगा चाच मेरा नहीं आएगा नहीं बोला ना हमें बोलो क्या नहीं थोड़ी सी मिर्ची पाउडर हल्दी और धनिया पाउडर डाली हूँ मैं थोड़ा कल आए नहीं थे ना तो ये थोड़ा बात कर रहे हैं इसलिए मिर्ची हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मसाले की बहुत खास है और ये थोड़ा गरम मसाला इसको मैं भूनती हूँ और इसको थोड़ा पकने देंगे थोड़ा भुने जा रहा है फिर मैं आपको बताती हूँ देखते हैं कितना भुने गया सालन पानी सूख गया है अच्छा देखिए अच्छा भुने गया है अब उसमें मैंने ये डाल दिया मूंग मटकी जो बॉईल करी है थोड़ी सी पोत में इसको थोड़ा और भूनने देंगे मक्की को देखती वो पानी का टोपी डाल नमक कम है तो मैं इसमें नमक डालती हूँ बिल्कुल ही नमक नहीं है इसमें मैंने जो मूंग मटकी उबलने रखी थी बस उसी में नमक डाली थी ये हो गया है अभी मैं आपको निकाल के बताती हूँ गैस बंद कर दी निकाल के दिखाती हूँ आलू एकदम अच्छे मैश हो गए थे एकदम ही मतलब सॉफ्ट गल गए थे चलिए ये है मूंग मटकी और आलू का सालन ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और आप भी बनाओ और मेरे को कमेंट में बताओ कैसी बनी कैसी टेस्टी बनी फिर मैं आपको मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ बाय